फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम बनाने जाएंगे भेज चाव। इसके लिए चाहिए कैप्सिकम, ऑनियन, लहसुन काट लिया है छोटा छोटा पीस करके, और काली मिर्च, और बॉईल किया हुआ चाउमीन। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गरम कर दिया है। ये कास्ट आयरन का तवा है। इसमें 3-4 चम्मच ऑयल दे देते हैं, सरसों का ऑयल से ही बनाएंगे इसको। फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन चला जाए। अभी इसमें डालेंगे हम ऑनियन, प्याज और कैप्सिकम, इसे भी थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं। और ये सिर्फ आप दूसरा कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने इसको सिर्फ ऑनियन और कैप्सिकम से बनाया। इसका टेस्ट दूसरा चाउमीन से अलग है। आप एक बार इसको ट्राई करना, अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बोलना, लिखना। अब ये थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम चाउमीन डाल दे रहे हैं। और अब आप लोगों को तीखा पसंद है तो इसमें आप मिर्ची भी छोटा छोटा करके काट के इसके अंदर आप डाल दे, फ्राई के टाइम आप फ्राई कर सकते हैं। अब इसे चाउमीन को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च थोड़ा सा, जिसको तीखा जितना पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा डालिए, और जिसको कम पसंद है थोड़ा तो कम डालिए। काली मिर्च इसको हम कूट के रखे हैं, और नमक, अब इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फिर हमारा चाउमीन रेडी। ना इसमें हमने सोया सॉस डाला है, ना विनीगर डाला है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। इसमें एकदम प्लेन चाउमीन। आप एक बार बना के देखिए, और इसका जब भी आप इसको कुक करें हाई फ्लेम में कुक करें, तवा एकदम गर्म होना चाहिए, तो देखिए उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और कोशिश कीजिए कि तेल आप कम डालें। मेरा चाउमीन हो गया है, अभी इसको प्लेट में डाल लेते हैं। ये एकदम प्लेन चाउमीन है। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।